लो जी ये पुल है, ये पार कर लिए है, नाले में पानी तो नहीं है, नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं था। हाँ अब यहाँ से चितकुल रह गए हैं 25 किलोमीटर। यह है सांगला का जो पुल है, क्या था सांगला द्वार, अच्छा ये सांगला द्वार लिखा हुआ था, और ये सांगला की मार्केट शुरू हो गई है जी, बस स्टैंड पीछे था, और ये मेन मार्केट है सांगला की, ये आई थिंक सिंगल रोड होगी, पहाड़ों पे है ना वैसे तो एक ही रोड होती है, उस रोड पे ही सब कुछ होता है, उसी को माल रोड कहते हैं बस हर जगह। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता इसका नाम माल रोड क्यों पड़ा, हर जगह माल रोड क्यों कहते हैं, शिमला में चले जाओ माल रोड, डलहौजी जाओ माल रोड, मनाली जाओ माल रोड, कहीं भी चले जाओ आप मसूरी जाओ माल रोड, ये क्यों पड़ा समझ में नहीं आया। ये देखो जी सिंगल रोड, और ये जाता हुआ चितकुल को, और सामने जंगल देखो कितना गहरा जंगल है, डेंस फॉरेस्ट, यहाँ चीता वगैरह भी रहते हैं, और सड़क बहुत कंजेस्टेड है, ओनली सिंगल रोड, सिंगल थोड़ी थोड़ी बीच बीच में कट्स बने हुए हैं, कोई गाड़ी आ जाती है तो आप अपना पहले रोक लो और वहाँ उसको साइड दे दो तो बेटर रहता है। देखो और इस साइड का व्यू देखो, कोई स्पोर्ट नहीं है यहाँ पे, और सामने का व्यू वाह जी वाह देखो तो सही। हाँ दोस्तों चितकुल रह गए यहाँ से जस्ट 30 किलोमीटर, और एक ऐसी जगह आई है, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, और एक तरफ रोड बड़ी कंजेस्टेड है, मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो रोड कितनी कंजेस्टेड है, और दूसरी तरफ बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है, और ये डेंस फॉरेस्ट हद से ज़्यादा, और नीचे देखो नदी का पानी फ्लो देखो आप, कमाल का फ्लो, और यहाँ तक शोर सुनाई दे रहा है नदी का, और ये सारा फॉरेस्ट, और वो सामने देखो झरना, ओए हाय हाय क्या मस्त झरना है। ये बेसिकली है तो मैनमेड झरना, क्योंकि आगे ऊपर डैम बना हुआ है, डैम के नीचे आप ये फ्लो जा रहा है, और इतना फास्ट इतना तेज़ पानी है ना, ये देखो, और यूँ लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे आवाज़ ऐसे आ रही है जैसे कुछ तोड़फोड़ हो रही है ना। हो रास्ता बहुत ख़राब है जी, और अभी रक्षम भी मेरे ख्याल में 8 या 9 किलोमीटर रह गया, 8 के करीब रह गया, और चितकुल अभी काफ़ी दूर है, रक्षम 9 किलोमीटर है जी लिखा, वो भी आ गया, और चितकुल आई थिंक 11-12 किलोमीटर उससे आगे 20 किलोमीटर होगा। और बसपा नदी का व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा है, रोड बहुत कंजेस्टेड है ये देखो जी, अगर गाड़ी आ जाती है तो निकलना मतलब इतना आसान नहीं है, कई कई जगह तो देखो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, कई जगह तो ठीक है। ये देखो जी क्लिफ हैंगर, बहुत सारे क्लिफ हैंगर यहाँ मिलेंगे आपको, देखो जब भी जा रहे हो हॉर्न बजाते रहो, कांड के ऊपर गाड़ी आए या ना आए बजाते रहो औरण में। अब है ना पहाड़ पेड़ दूसरे आ गए, अब है ना वो दूसरे वाले पेड़ आ गए ना जंगल वाले नीचे, वहाँ पीछे वो चल रहे थे सफेदे वाले पेड़, और वो शीशम टाइप के दूसरे अब चेंज हो गए हैं टोटल सारे। देखो वाड़ी आ गई, जगह है यहाँ पे है जगह निकलने की, तो निकल जाएगी वो, अच्छा 98 वाह भाई वाह, नदी किनारे गांव तो बहुत अच्छे बसे हुए हैं। देखो जी बारिश आज बिल्कुल भी नहीं हुई, बादल हुए थे 2 बार हुए, दोनों बार बारिश नहीं हुई, और अब फुल बढ़िया धूप आ रही है, टाइम हुआ है 5:15। हाँ जैकेट डाल रखी है लोगों ने। अब रास्ता चितकुल को गया सीधा, और नीचे गया सांगला, पैदल चल जाना जन है।
है उल्टे चला नहीं। और 20 किलोमीटर आगे जाके फिर मुड़ जाओगे ठीक है। और वो देखो पहाड़ों के ऊपर बादल और ये सड़क चौड़ा करने का काम चलता हुआ यहाँ पे टाटा इटाची की मशीनें लगी हुई यहाँ पे बढ़िया पत्थर फोड़ने में। लो जी अब आ गया जंगल रक्षम आ गया 8 किलोमीटर और चितपुर है 20 किलोमीटर। हाँ वही मैंने कहा था रक्षम से 11-12 किलोमीटर के आसपास जाएंगे। धीरे धीरे हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए और जंगलों के बीच में से निकलते हुए छोटे छोटे गांव आ रहे हैं यहाँ पे। देखो लद्दाख के अंदर क्या है कि गांव दूर दूर तक कोई प्राणी नहीं था, यहाँ गांव तो है एटलीस्ट नज़दीक। भाई नहीं चढ़ा जाएगा क्या गाड़ी? ये जो गाड़ी आ गई इसीलिए मैंने बैक ले ली। ये आ गया जी ग्राम पंचायत बटसेरी और करछम को गया नीचे को। अरे यू वापिस करछम से तो माए हैं ऊपर से कैसे आगे दिखा ना। अच्छा ये वापिस है चितकुल रह गया 15 किलोमीटर कितना 15 ही था ये सीधा। भाई वेंडी सेब के पेड़ बहुत है यहाँ पे राइट साइड में देखो सेब ही सेब है सेब पे सारे गुजारा। हाँ ये इनका गुजारा बेसिकली है ना सेब के सारे ही होता है क्योंकि जहाँ सेब इनके तो 10 पेड़ लग जाए वही मकान बना लेंगे ये क्योंकि मौसम अनुकूल है यहाँ का सेब का। और तो पैक करके भी हाँ बस। अच्छा यहाँ तो जाल भी नहीं लगा रखे वहाँ तो नारकंडा की तरफ जाल जरूर लगा रखा था सेब के पेड़ों पर यहाँ कोई जाल नहीं है। कुछ तो है कोई तो रीज़न होगा पूछना पड़ेगा चलो तो कल किसी से ना किसान भाई से पूछते हैं। बस तो भाई वो करछम तो है ना रक्षम करछम अरे बड़छम बुरा हाल कर दिया इन्होंने तो आज तो वाकई टूटी पड़ी है यार 40-42 किलोमीटर की सड़क तो सारी टूटी हुई है पिछली बार है ना मैं तो आया पंचतीस पे कौन चितकुल नहीं आया मैं कभी। अच्छा तो ये चितकुल हाँ चितकुल वाला तो प्रोग्राम हमारा रह ही गया था कई बार प्लानिंग करी हमने आने की हमारा बन ही नहीं पाया प्रोग्राम सेट ही नहीं हुआ था। लेकिन रोड देखो जी कंजस्टेड देखो जी गाड़ी का क्या हाल हुआ है और सामने का मौसम देखो बहुत ही खूबसूरत पूरे बादल और स्नोफॉल फ्रेश बिल्कुल। स्कूल जाते हुए एक ऐसा ब्रिज आया है बहुत ही शानदार ब्रिज है आवाज़ से सुन के पता लग गया होगा। यह देखो आप वो रहा झरना आता ऊपर से आ रहा है नीचे से आ रहा है और देखो और ये देखो आप वो देखो दोनों कहाँ जाके बैठ गए देखना ये देखो संदीप वहाँ बैठा है और वो वहाँ बैठा है देखो ये क्या झरना
वाह यार क्या पॉइंट है, मजा आ गया। देखो पानी का फ्लो और वो देखो सामने झरना एक वहां से गिर रहा है, आपको शोर में मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी, ये देखो ये गिर रहा है। ये फोटो खिंचवान लग रहे हैं वहां बैठ के। से किलाड़ से उदयपुर वाले रोड पे निकले थे ना, ऐसा देवी सेम ऐसा गांव नहीं आया था 35 किलोमीटर बाद, 35 किलोमीटर तक तो बिल्कुल खड़ी सड़क थी और बिल्कुल खड़ी खाई थी, और उसके बाद आया था एक गांव और वहां ऐसी सड़क आई, तब जाके हमें भी थोड़ी शांति सी आई, भाई पेड़ तो आगे दोनों तरफ नहीं तो था, एक तरफ तो गई गाड़ी। और लो जी जित कुल रह गया है 9 किलोमीटर पता नहीं 8 किलोमीटर के करीब, जित कुल के बाद सड़क नहीं है जी, कोई सड़क नहीं, बस चाइना बॉर्डर तक है, आगे इंडियन आर्मी की पोस्ट है बस वहां तक जाती है, वो भी ऐसी टूटी फूटी है। जित कुल रह गया ना, ओ है डुमती दिख रहे हैं, डुमती बिल्कुल चाइना बॉर्डर। अच्छा हाँ तो चाइना बॉर्डर तो थोड़ा सा आगे है ना, बॉर्डर तो हाँ वो आगे फिर रोड तो ना जाती, वैसे नहीं जाती है, रोड जाती है, अलाउड नहीं है वहाँ है ना। अच्छा अलाउड, गांव वाले हैं गांव वाले जाते हैं या मिलिट्री जाती है वहाँ पे, हाँ ये जा रही ना मिलिट्री आगे देख, वो वैसा सीन नहीं यार जैसे युद्ध परमिशन वो फिर मैं जाने देते हैं। नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है हाँ, उधर माना गांव में भी जाती है वैसे तो, वहाँ भी मिलिट्री है पर वहाँ परमिशन लेनी पड़ती है, फासपोर्ट तो जा सकते हो। चितकुल में भी यहाँ से भी अलाउ कर दिया, चितकुल में भी नहीं यार, भाई देखो दोस्तों कैसे कैसे विचार है हमारे ग्रुप के, रहा मतलब चाइना के प्रति, बस वो मौका मिलना चाहिए चाइना का, तो हमें चाइना की तो हम क्या कर देंगे ऐसी की तैसी। है देखो जी रोड इतनी बढ़िया है, बहुत टूटी हुई रोड है, और बस पूछो ना बाकी कहने लायक नहीं है हम कुछ भी, लेकिन जो वादियां हैं ना तो वही वादियां मेरा दामन, हाँ मैंने मेरा था तू वादियाँ देख के यही गवार कि ये गाना चलाओ, तो जो वादियाँ है ना ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। रक्षम का
पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, यहाँ रेस्ट हाउस बहुत है, ट्रेंड है। और हम निकल रहे हैं सीता का सीधा चितकुल, 11 किलोमीटर दूर रह गए हैं। और सामने जो पहाड़ देखो, बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल, ये देखो जी लोकेशन कितनी प्यारी है। और सामने देखना कितना स्टीप पानी आ रहा है, हाँ वो देखो झरना, नदी है मतलब नाला। मतलब मैं बताऊँ सोच के कि क्या है जगह, देखो आप पहले क्या बढ़िया जगह बना रखी है, ये नीचे खेती होती है देखना, फार्मिंग ये जगह। और सामने देखो स्नोफॉल, इस मोड़ से आपको चितकुल की पहली झलक दिखाते हैं, वो सामने चितकुल आपको दिखाई दे रहा है, वो देखो जी चितकुल हो रहा है, हाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो 11,300 फीट के हाइट पे है, इंडिया का ये लास्ट विलेज है। और हाँ ले लो, बिल्कुल ले लो, हाँ वो देखो जी स्नोफॉल हो रहा है बढ़िया वाला, साइड में लगाता हूँ गाड़ी को। तो वीडियो चल रही सर, एक मिनट रुको वीडियो। एक मिनट इसका वो फोटो कर उसे, वीडियो चल रही है तो लो जी। अब हम बिस्पा रिवर कैंप साइड जा रहे हैं, और बिस्पा रिवर साइड कैंप की तरफ रास्ता जो बिल्कुल नीचे से जाता है, और ये भी बड़ा ऑफ रोड है, सिंगल रोड एंड ऑफ रोड। और ये देखो नज़ारा, यहाँ से सनसेट का नज़ारा, बादलों पे सूरज की किरणें कैसे लग रही हैं, और नदी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज, कैसे चल रहा है बहुत ही ज्यादा तेज, ना चलने दें तो क्या नीचे ही बहेगी और तेज। लेकिन ये सुनहरी लालिमा जो दिखाई दे रही है ना आपको पहाड़ों के ऊपर, धर्मपाल कह रहा था देखो जी सोना, फिर मैंने कहा भाई तू सो जा सोना, अरे रिवर साइड कैंप, हम चले रिवर साइड कैंप की तरफ। हाँ लो जी रिवर साइड कैंप की तरफ चले गए हैं, और ये देखो आप रिवर साइड कैंप का रास्ता, और ये नदी बहती हुई साथ में, हाय 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 क्या बात है। HP नंबर है ये देखो,
ये है, ये देखो बसपा रिवर, और ये बसपा के कैंपिंग साइट है, बसपा कैंपिंग साइट। और ये नदी का बहाव देखो आप, क्या बात है। और पीछे ऊपर का माहौल देखो, दोस्तों पहुंच गए हैं हम चितकुल में, और जस्ट एंट्री पॉइंट पे हैं चितकुल के, मोड़ के फिर दोबारा लेनी पड़ेगी, मोड़नी फिर एक दोबारा यहां से भी मोड़नी मुश्किल हो जाएगी, मुड़ेगी कौन है गाड़ी। और ये है जी, सामने आपको दिखाता हूं, धर्मपाल तो पसर गया है, चितकुल में चित हो गया है, और सामने है गेट, ये देखो सामने ये है चितकुल में, आपका स्वागत है। ना खिंचवाया फोटो आई, लो जी दोस्तों पहुंच गए थे हम चितकुल। ओहो, होटल मिलने में बड़ी दिक्कत हुई भाई, हमें नहीं पता था कि इतनी भीड़ मिलेगी यहाँ पे, हमें था कि भीड़ का टाइम तो जा लिया, इस टाइम तो छीड़ मिलेगी।